कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मजदूर का घर। श्रीरंगपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी निर्मला बहुत मेहनत किया करते थे। गरीबी होने के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ते थे। शिवा और निर्मला बहुत ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोग उनसे बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे ही एक दिन, अजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पानी भरने गई तो अलग ही नजर से देखते हैं और गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन लोगों को हमें तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता है। खैर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलिए, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवा और निर्मला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जल्द ही उठकर अपने सारे काम पूरे कर लेती है और काम करने के लिए बाहर निकलती है। तभी शिवा भी तैयारी करके वहां आता है। आज मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना, ठीक है? जी ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर निर्मला और शिवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। निर्मला एक खेत में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत प्यास लगती है। निर्मला पानी पीने के लिए अपने मटके के पास जाती है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी ना होने के कारण निर्मला पानी लेने के लिए गांव में जाती है। उनका गांव ऐसा गांव था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। गांव में एक ही कुआं था, उसी कुएं का पानी सब लोग पिया करते थे। निर्मला गांव में आकर उस कुएं से पानी निकालती है और वापस खेत में चली जाती है। खेत में जाते समय रास्ते में उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यापारी उससे कहता है, अरे बहन जी, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। अगर आपके मटके में से थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा। भाई साहब, आप मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे एहसान की बातें कर रहे हो? ये लीजिए पानी, आपको जितना चाहिए उतना पी लीजिए। निर्मला अपना मटका उस व्यापारी को देती है। व्यापारी मटके से पानी पीकर बहुत संतुष्ट होता है। बहन, तुमने सच में मुझे कर्जदार बना दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगली बार जब इस रास्ते से जाओगे तो मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बहन, चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर निर्मला अपना काम करने जाती है। व्यापारी भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गाँव से जा रहा था, तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। व्यापारी के गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और व्यापारी अपनी गाड़ी वहां से हिला ही नहीं पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, आज ही गाड़ी का पहिया अटकना था। व्यापारी मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नजर कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगता है। भाइयों, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए, मेरी गाड़ी का पहिया यहाँ फंस गया है, आप मेरी मदद करोगे? अरे भाई, यहाँ इतनी बारिश है, हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें मदद के लिए बोल रहे हो? चलो भाइयों चलो, हमें इस बारिश में और नहीं भीगना है। आ चलो। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। व्यापारी फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। तभी व्यापारी की नजर वहां से जाते हुए शिवा पर पड़ती है और, अरे भाई सुनते हो, मेरी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी साहब बिल्कुल, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। व्यापारी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। शिवा गाड़ी को पीछे से धक्का मारता है। बारिश के कारण उसके कपड़ों पर बहुत सारा कीचड़ उड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना शिवा जोर लगाकर उस गाड़ी को धक्का मारता है। बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकलती है। व्यापारी गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जाता है और गाड़ी थमाकर गाड़ी से उतरकर शिवा से बात करता है। धन्यवाद भाई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। क्या काम करते हो शिवा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आज भी कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं घर लौट कर जा रहा हूँ और आपने आवाज़ लगा दी। अच्छा, मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम करने के लिए आ सकते हो, मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। साहब आप सच कह रहे हैं? मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
मैंने जब बाकी लोगों से मदद मांगी तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ, और हाँ, 8 दिनों बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए यहाँ आऊँगा। हम सब शहर जाएंगे, तुम अपना सामान वगैरह पैक करके रखना। जी साहब। साहब, लेकिन हम इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ? अरे, तुम्हारे घर का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करके रखना। जी साहब। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। शिवा भी अपने घर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, 8 दिनों बाद हम शहर चले जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े साहब ने उनके कंपनी में काम दिया है। अब सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ निर्मला, वो मालिक बहुत ही दयालु थे, वो हमें रहने के लिए घर भी देने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम सामान पैक करके रखना। जी ठीक है। ऐसा कहकर दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और व्यापारी अपने कहे मुताबिक उन दोनों को लेने के लिए उस गांव में आता है। व्यापारी की आलीशान गाड़ी देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी, और वो भी शिवा के घर के बाहर। गाड़ी शिवा के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरता है। अरे आइए ना साहब, आप सच में आ गए, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आइए ना आइए। अब व्यापारी उसके घर में आता है, तभी निर्मला पानी लेकर आती है। भाई साहब, अब मेरे घर आए, बैठिए ना, मेरे लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हम पहले भी मिले हैं, ये मेरी बहन है। जी, भाई साहब को बहुत प्यास लगी थी, इसी वजह से मैंने उन्हें पानी पिलाया, और तब से मैं इनकी बहन हो गई। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शिवा और निर्मला व्यापारी की गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवा और निर्मला के साथ व्यवहार किया था, उसकी उन्हें शर्म आती है। वहां दूसरी तरफ व्यापारी दोनों को शहर लेकर गया। उस व्यापारी ने शिवा को अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। शिवा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपनी ईमानदारी के जोर पर पूरे परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। सौतेली बहने। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे 2 बेटियां थी, एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली, मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया, और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी सुहानी चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो, और सुहानी तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था, फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है, तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है, तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर।
ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ, ये लो ट्रिप के लिए पैसे और बाकी के लिए तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढू इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी, मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी, मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था जीत और दूसरे का नाम था रमेश। दोनों ही बेटे बड़े होशियार थे। वो हमेशा अपने माँ और पिताजी की बातें सुना करते थे। राम की अपने गांव में किराने की एक दुकान थी। दुकान में बहुत सारा विविध प्रकार का सामान मिला करता था और इसकी वजह से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहा करती थी। ग्राहक जो भी मांगा करते थे वह उस दुकान में मिल जाया करता था, इसीलिए लोग वहां पर ज्यादा आया करते थे
और उसी वजह से उसको घर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था। राम, उसकी बीवी रमा और दो बेटे राजी खुशी रहा करते थे। एक दिन रमा अपने बेटों से, जाओ जरा दुकान से शक्कर ले आओ, पिताजी को बताना कि खत्म हो गई। जी माँ, ऐसा ही बताऊंगा। रमेश, तू जीत के साथ जा। जी माँ, मैं जाता हूँ। अब रमेश और जीत दुकान में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी माँ ने शक्कर मंगवाई है। अभी तो दी थी, अभी खत्म हो गई। वो हमें कुछ नहीं पता, माँ ने बताया है शक्कर दो। अच्छा ये लो, घर जाओ। जी पिताजी। अब दोनों बेटे घर के लिए निकलते हैं और घर जाकर अपनी माँ को शक्कर दे देते हैं। दुकान घर के पास होने के कारण रमा को कुछ भी चीज लगती तो उसके लिए बच्चों को दुकान में भेज दिया करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और राम उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जानने लगा। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था और इसकी वजह से उसके पास सारे लोग मदद के लिए आते थे। वो बहुत सारे लोगों को उधार भी दे दिया करता था, इसीलिए उस पर सारे गांव का बड़ा विश्वास था। एक दिन उनके गांव में एक आदमी आता है जिसको कुछ धंधा शुरू करना था, इसलिए वो सारा गांव ढूंढ लेता है। मगर उसे समझ आता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान तो इस राम की दुकान पर ही मिलता है। मैं दुकान शुरू करूंगा तो इस गांव में ही, अब कुछ भी हो जाए दुकान खोलूंगा, ऐसा ही करूंगा तो मेरा बहुत फायदा होगा, मैं भी इसकी तरह सारी चीजें दुकान में रखूंगा। ऐसा सोचकर राघव उसी गांव में दुकान बनाने की मन में सोच लेता है और दूसरे ही दिन उस गांव में अपना किराने की दुकान लगा देता है। उसके दुकान में सारी चीजें होती है, वो सारी नई नई चीजें अपनी दुकान में रखता है, इसीलिए उसकी दुकान अच्छी दिखती है। मगर उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं जाता क्योंकि इतने दिनों का ग्राहकों का विश्वास और उसकी मददगार स्वभाव के कारण सारे लोग राम की दुकान में चले जाते हैं। अब एक दिन राघव अपने मन में सोचता है कि मैं एक बार इस राम की दुकान में जाकर देख लेता हूँ कि उसके दुकान में क्या स्पेशल है, फिर मैं यही सारी बातें सीख लूंगा। ऐसा सोचकर राघव भेस बदलकर राम की दुकान में चला जाता है और दुकान में जाकर राम से बात करता है। भाई साहब, मुझे एक चावल की बोरी और एक गेहूं की बोरी दे देना, मेरी बेटी की शादी है, और एक बोरी शक्कर भी दे देना। जी अभी देता हूँ, बोलिए और क्या चाहिए आपको। जी और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी। अब राघव वो सामान लेकर अपने घर चला जाता है और वो खोलकर देखता है कि उसके दुकान का सामान कितना अच्छा है। ये सब देखकर राघव के मन में एक युक्ति आ जाती है और वो मन ही मन में, क्यों ना इस बोरी में कुछ मिलावट कर दूं तो लोग समझेंगे कि ये मिलावट राम करता है। ऐसा सोचकर वो उस चावल गेहूं शक्कर की बोरी में मिलावट कर देता है और दूसरे ही दिन वो सारे अनाज की बोरियां लेकर वापस दुकान में चला जाता है और राम से कहता है, अरे भाई साहब, मेरे घर में बेटी की शादी टूट गई, इस वजह से अब इतना सारा अनाज का मैं क्या करूं। जी कोई बात नहीं, आप ये अनाज यहाँ रख दीजिए और आपके पैसे ले लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। अपने पैसे लेकर राघव वहां से चला जाता है और भेस बदल कर अपनी दुकान में जा बैठता है। अब उस अनाज की बोरियों में राघव ने मिलावट की है, ये राम को खबर ना होने के कारण वो उसी माल में से सारे ग्राहकों को बेचता है और सारे ग्राहक कंप्लेंट लेकर वहां आ जाते हैं। राम भाई साहब, आपके गेहूं में मिलावट है, उसमें बहुत सारे मिट्टी के दाने हैं। मेरे दुकान में कभी भी मिलावट नहीं होती, मगर फिर भी आपके गेहूं में मिलावट निकली है तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा। वो ग्राहक अपने घर वापस चला जाता है और अब अगले दिन कोई दूसरा ग्राहक आकर शक्कर में मिलावट है ऐसा कह रहा था। ये सब सुनकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुद के दुकान की शक्कर चेक करके देखता है और उसको समझ में आता है कि ये सब वही बोरियां हैं जो कि मैंने उस राघव को दी थी। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राम चुप बैठ जाता है। और अब एक गांव का आदमी जिसका नाम था रघु, वो सरपंच जी से राम की कंप्लेंट कर देता है और सरपंच राम को पंचायत में बुलाते हैं।
राम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सामान में मिलावट है? सरपंच जी, मुझे भी नहीं पता ये मेरे सामान में कैसे मिलावट आ गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। राम, हमारी गांव की परंपरा के अनुसार जो भी किसी चीज में मिलावट करता है उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जी सरपंच जी, अगर मेरी यही सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। ऐसा कहकर राम वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है और जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए भर देता है। वो पैसे चुकाने के लिए वो अपनी दुकान और घर बेच देता है। अब राम, रमा और उसका पूरा परिवार बेघर हो जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। अजी, अब हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसने चाहा तो हम फिर से हमारा गुजारा खुद से कर सकेंगे। हाँ, यही उम्मीद है। ऐसा कहकर रमा, राम और उनके बच्चे उनके साथ चलने लगते हैं और अब एक जगह रुककर विश्राम करते हैं। तभी चारों को बहुत प्यास लगती है और इसी वजह से राम पानी की खोज में थोड़ा इधर उधर ढूंढकर उसे पानी मिल जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक लोटे में पानी लेकर आता है और सारा परिवार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीकर खुश हो जाता है और वो वही थोड़ी देर सो जाते हैं। मगर शाम होने को आती है और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए राम बड़ा चिंतित था। मगर अपने परिवार की ओर देखकर वो बहुत खुश था कि मुश्किल के समय में भी हम साथ हैं, ये जिंदगी में आवश्यक है। सही कहा ना मैंने रमा? हाँ जी, ये सच बात है। मैं थोड़ा घर से आटा लेकर आई हूँ, उससे आज का काम तो चल जाएगा। अच्छा हुआ आज का काम हो जाएगा, तो कल के लिए मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। अब रमा उस आटे से भाकरी बना रही थी, तभी उसी जगह एक बहुत बूढ़ी औरत आकर उससे खाना मांगती है और बोलती है कि वो बहुत भूखी है। अरे बच्चों, मुझे कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, हमारे पास इतना सा ही आता है, इसमें हमारा भी पूरा खाना नहीं होगा, मैं आपको कहाँ से दूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बेटी। रमा दे दो, माँ जी को हमसे ज्यादा जरूरत है। माँ जी को हमारी रोटी दे दो और बच्चों को बच्चों की रोटी दे दो। जी। ऐसा कहकर रमा अपनी रोटी और राम की रोटी बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। राम और रमा पानी पीकर सो जाते हैं। ये सब उनके बच्चे भी देखते हैं। अब अगले दिन बच्चों को और रमा को बहुत जोर से भूख लगती है। तभी राम, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कुछ खाने लायक मिलता है या नहीं। जी, हम यही रुकते हैं। ऐसा कहकर रमा और उसके बच्चे एक जगह रुक जाते हैं और राम जंगल में चला जाता है और जंगल में बहुत सारा ढूंढता है मगर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर एक वनस्पति के पास जाकर देखता है कि उसके फल खाने लायक है या नहीं। तो वो फल खाने लायक थे। वो थोड़े फल तोड़कर लेकर आता है और रमा से, ये फल पकाकर हम खाएंगे। मगर मैं इसे कैसे पकाऊं, यहाँ तो कोई बर्तन भी नहीं है। मैं कुछ मिले तो आसपास देखता हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक कुकर होता है। उसे देख राम और रमा बहुत आश्चर्यचकित रहकर देखते रहते हैं। वो बूढ़ी औरत रमा से, बेटी ये लो मेरी ओर से कुकर, इसमें तुम जो भी पकाओगी वो दुगना हो जाएगा। सच में माँ जी? हाँ। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और कुकर देखकर उसमें वो लाए हुए फल डालकर रमा उबालने के लिए रख देती है। तभी वो देखती है कि उस कुकर में से एक सीटी हो जाती है और रमा ढक्कन खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सब फल दोगुने और सोने के हो गए हैं। अब ये सब क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो दोनों कुछ पेड़ की टहनियां डालकर देखते हैं। वो टहनियां भी अब सोने की बन जाती है। अब रमा और राम को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण कुकर नहीं है। अब वो शहर में जाकर वो सारा सोना सुनार को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और नए शहर में अपना नया घर बना लेते हैं और नए घर के साथ
राम नया धंधा शुरू कर देता है। वो अब कपड़ों का व्यवसाय शुरू कर देता है और उसमें खूब तरक्की करता है। मगर वो हमेशा गरीबों की तथा जरूरतमंदों की आज भी मदद कर दिया करता था। बहुत दिनों बाद उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।